आप सब कैसे हैं बच्चों। मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम, बचपन स्कूल थड़ा से। बच्चों, मैं आपको आज हिंदी की किताब का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने से पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण क्या होता है बच्चों, आपको पता है? आज मैं आपको सबसे पहले व्याकरण की जानकारी दूंगी, ठीक है? सही व्याकरण से ही हम ठीक से बोलना और लिखना सीखते हैं, और मात्राओं का ज्ञान, सही शब्द बनाना और उसे ठीक से पढ़ना आदि चीजें सीखते हैं। मैं आपको आने वाले पाठों द्वारा यह सब सिखाऊंगी, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, स्वर। क्या है स्वर? स्वर कितने होते हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बच्चों, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, हम एक बार इनको गिन के भी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 यानी 11। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है? और अंग तथा आहा स्वर नहीं है, ठीक है? अंग तथा आहा स्वर नहीं होता। ये क्या होता है? अयोगवः। क्या होता है? अयोगवः। अयोगवः क्या होता है बच्चों? अयोगवः उसे कहते हैं वे वर्ण जो ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, ठीक है? जो ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, तो इनका प्रयोग अन्य स्वरों के समान व्यंजनों के साथ किया जाता है, ठीक है? इनका प्रयोग अन्य स्वरों के समान व्यंजनों के साथ किया जाता है, ठीक है बच्चों? ये कौन कौन से हैं? अंग और आहा, ठीक है? अंग और आहा, ठीक है? आओ हम स्वरों को सही स्थान पर लिखें, ठीक है? अब हम इस वृक्ष में, इस पेड़ में स्वर को लिखेंगे। अ, आपकी किताब में खाली जगह है, यहाँ पे क्या भरने हैं आपको? आ। तो अ के बाद क्या आता है? आ। और आ के बाद इ, ई के बाद ई, ई के बाद उ, उ के बाद ऊ, और उ के बाद री, री के बाद ए, ए के बाद ऐ, ऐ के बाद ओ, ओ के बाद औ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर हो गए, ठीक है? अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन क्या है बच्चों? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन। 33 यानी 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, ग, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, छ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अन। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। स, स, ह। यहाँ तक ही का से लेकर ह तक कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। कितने हैं? 33। एक बार हम फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 33 यानी 33, ठीक है? तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हो गए? 33, ठीक है? आओ इन व्यंजनों को
सही क्रम में लिखें, ठीक है। इन व्यंजनों को देखिए, आपकी पुस्तक में क्या बना हुआ है, सेब की आकृति का खाली जगह बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको उचित यानी सही व्यंजन लिखने हैं, ठीक है बच्चों। क, क के बाद क्या आता है, ख। तो यहाँ पे खाली जगह में आपको क्या लिखना है, ख। फिर ख के बाद ग, फिर ग के बाद घ, अंग। फिर इसी तरह ज, फिर खाली जगह छ, फिर खाली जगह ज, फिर झ, फिर इ, ठीक है। इसी तरह ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको करना है अपनी पुस्तक में, हिंदी की किताब में ये काम आपका ग्रह कार्य है, ठीक है। ये आपका ग्रह कार्य है। कौन कौन सा पेज, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।